हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 मिलीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉइन है, कॉइन का डायमेंशन है डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है कॉन का वो 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने सारे कॉइन्स को पिघलाया जाए कि हमें एक सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर का हाइट है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा सिलेंडर बनाने के लिए हमें कितने कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो डायरेक्ट हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ठीक है, जो कॉइन है वो भी सिलेंडर की शेप में है और जो हमें बनाना है ये भी एक सिलेंडर, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। इसके लिए हम रेडियस के लिए स्मॉल आर और हाइट के लिए स्मॉल एच यूज़ करते हैं, और यहाँ पे रेडियस के लिए कैपिटल आर और हाइट के लिए कैपिटल एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल हो गया। सिलेंडर का रेडियस जो है डायमीटर दिया हुआ है 4.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.5 बाई 2, यानी यहाँ से 4.5 के बदले तो हम लोग लिख सकते हैं 9 बाई 2 और एक 2 ये पहले से इंटू 2, तो ये आ गया 9 बाई 4 सेंटीमीटर और सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसके बदले यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर, यानी 9 बाई 4 इंटू 9 बाई 4 इंटू हाइट है 10 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन आर स्क्वायर। तो कॉइन का जो रेडियस है, डायमीटर है 1.5, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 बाई 2। 1.5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई 2 और एक ही 2 पहले से नीचे में है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आर स्क्वायर 3 बाई 4 इंटू 3 बाई 4, हाइट हो गया 2 बाई 10। इसके बाद यहाँ लिखते हैं 9 इंटू 9 इंटू 10 बाई 4 इंटू 4। ठीक है, ये पूरा पार्ट इस डिवाइड के साइन को इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 10 ऊपर आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 2 4 और ये भी कैंसिल हो गया, 3 3 या 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, तो बच गया 9 इंटू 10 इंटू 5, तो 9 5 जा 45 और इंटू 10 450। ठीक है, तो ये आ गया 450 कॉइन्स। तो कॉइन्स को पिघला के हमें सिलेंडर बनाना है, तो टोटल हमें 450 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही फाइंड करना था हमें, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर ये वीडियो समझ में आया आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।